हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। हियर आई एम बैक टू कंटिन्यू योर चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम टर्म टू क्लास 10 मैथ्स। सो आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी चैंपियंस? है ना? तो अगर आप अभी अभी सो के उठे हैं तो फटाफट से फ्रेश अप कर लीजिए, या अभी अभी आप स्कूल से आए हैं, क्लासेस अटेंड करके थक चुके हैं तो फटाफट से फ्रेश अप कर लीजिए, है ना? आपको मजा आने वाला है, ठीक है? फिर क्या कीजिए, पेन और कॉपी उठाइए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, कॉफी या टी, यू कैन वट एवर यू वांट यू कैन टेक, है ना? बगल में रख दीजिए कॉफी या टी और साथ में चुस्की लेते हुए पढ़ाई करते जाइए। तो आज का हमारा सेशन जो है क्वेश्चंस रिलेटेड है। जैसे कि लास्ट लेक्चर भी हमारा कैसा था, क्वेश्चंस करवाया था मैंने आपको, अच्छे क्वेश्चंस करवाए थे। आज भी मैं अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा रिगार्डिंग एपी, और आज के जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो एनसीईआरटी से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में गिवन है आपको, है ना? तो एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे आज, क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर वन कहता है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टू डिजिट नंबर्स बताने, कितने नंबर, कैसे नंबर्स होने चाहिए, टू डिजिट्स नंबर होने चाहिए, ठीक है? और किससे डिविजिबल होना चाहिए बोल रहा है, डिविजिबल बोल रहा है बाय 7, 7 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 7 का टेबल आपको पता होना चाहिए। अच्छा, टू डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? 10 से स्टार्ट होता है, और एक्सट्रीमली सॉरी, और एंड कहाँ पे होता है, 99 पे एंड होता है, ठीक है? तो चलिए आप लिखते जाइए नंबर्स। तो 7 तो यहाँ से 7 डिविजिबल होगा 7 से, पर 7 यहाँ पे नहीं लिख सकता। 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21, 7 फोर जा 28 एंड सो ऑन, ठीक है? हमको लास्ट नंबर भी पता है, तो लास्ट नंबर कौन सा होगा बताइए, लास्ट नंबर कौन सा होगा, कैसे बताएंगे लास्ट नंबर? देखो 99 तो डिवाइड हो ना पाएगा, नहीं हो पाएगा 7 से, है ना? तो 99 जो है 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, कितना होगा रिमाइंडर, कितना बचेगा 99 को आप डिवाइड करोगे, तो 99 को जब आप डिवाइड करेंगे ना तो 8 रिमाइंडर बचेगा। डिवाइड करके देख लो 99, देखो लास्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बता रहा हूँ। 99 को आप क्या करो, 7 से डिवाइड करो, 7 वन जा 7, कितना बचा 2, 29 बना, 7 फोर जा 28, है ना? 7 फोर जा 7, 1 जा 7, 7 4 जा 28, कितना बचेगा रिमाइंडर, 28 करे तो रिमाइंडर कितना बचा 1, रिमाइंडर कितना बचा 1, मतलब 99 माइनस 1 कीजिए कितना आएगा 98, देयर फॉर हियर विल बी लास्ट नंबर विल बी 98, क्योंकि टू डिजिट नंबर्स बोला था क्वेश्चन में, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो हमको समझ में आ गया, अब हमसे पूछ रहा है कि कितने नंबर्स होंगे, तो हम लेट इट बी, लेट क्या एज्यूम करेंगे, एन नंबर्स हैं, लेट एन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, 7 से डिविजिबल होंगे वो कितने नंबर्स होंगे, एन नंबर्स होंगे, जो कि एक एपी में है, दिख रहा है हमको, है ना? क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म हमारा 14 है, और कॉमन डिफरेंस इसमें सब में कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी, क्योंकि 7 से ही तो डिविजिबल होगा, 7 के मल्टीपल से तो लिखा है हमने। तो फटाक से आप की क्या कीजिए, nth टर्म का फॉर्मूला लगा लीजिए, किसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, nth टर्म का फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है? nth टर्म जो है, या फिर लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा लो आप, लास्ट टर्म, क्योंकि अब हमको लास्ट टर्म गिवन है, तो लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, L से डिनोट करते हैं, हमको पता है। तो L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। लास्ट टर्म हमको पता है 98, इसलिए हमने लास्ट टर्म लगा लिया। यहाँ से A की वैल्यू हमको गिवन है 4, N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, D की वैल्यू कितनी है 7, तो 98 इज इक्वल टू 14 क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 98 माइनस 14 इज इक्वल टू 7 एन माइनस
सेवन हो जाएगा। 14 इसमें से माइनस कीजिए कितना बचेगा बताइए, 8 में से 4 गया, 4 9 में से 1 गया, कितना हो गया 84, 84 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 एंड 7 ऐड करेंगे कितना आएगा 91, 91 इज इक्वल टू 7 एंड n इज इक्वल टू 13, क्योंकि 13 7 जा 91 होता है, तो जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। इसका मतलब कितने नंबर्स होंगे टू डिजिट नंबर्स, 13 टू डिजिट नंबर्स होंगे जो कि डिविजिबल बाय 7 होंगे। अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। मैंने क्या बोला है, जब भी गुड क्वेश्चन आए क्या करना है, क्लैप करना है, क्लैप फॉर दिस क्वेश्चन, क्लैप। एंड क्लैप कैसे करना है हमको, ऐसे दिस वे में। इससे क्या होगा बच्चों, हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्लैप करते हैं ना, ऐसे क्लैप करना चाहिए हमेशा। ऐसे क्लैप करने से आपका एक्यूप्रेशर भी होगा, यहाँ पे देखिए एक्यूप्रेशर होगा, एक्यूप्रेशर अप्लाई होगा तो आपका माइंड रिफ्रेश होगा, माइंड ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा तो सारी चीज़ें आपकी अच्छी होने लगेंगी। तो कम ऑन, गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्लैप। अरे भाई क्लैप कर लो यार, तुम्हारा ही फायदा है ना, एक्यूप्रेशर होगा तो तुम्हारा ही फायदा है, किसका फायदा है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500 के बीच में हमको ऐसे इंटीजर्स बताने हैं जो कि डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। अगेन क्या बोल रहा है, डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए, ठीक है, 50 और 500 के बीच में। चलो 7 वाला तो एक क्वेश्चन आप कर चुके, तो हम क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, हम क्या करते हैं डिविजिबल बाय 5 कर लेते हैं, ठीक है, डिविजिबल बाय 5 कर लूँ, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 550 और 500 के बीच में बताना है, तो मुझे बताइए क्या 55 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा सर, 510 या 50 होगा, मतलब 50 इंक्लूडेड होगा, ठीक है। और क्या 500 5 से डिवाइड होगा, अरे सर बिल्कुल होगा, क्या बात कर दिया आपने, 100 टाइम्स आएगा तो मतलब 500 भी होगा। तो 50 जो है वो आपका क्या हो गया, ए की वैल्यू हो गई, फर्स्ट टर्म की वैल्यू, क्योंकि 50 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और लास्ट टर्म हमारा कितना हो गया 500, है ना। और डी कॉमन डिफरेंस जो हो गया वो क्या हो गया 5, क्योंकि डिविजिबल बाय 5 मतलब 5 के मल्टीपल होने चाहिए। अब बस सॉल्व कर दीजिए, एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, फटाक से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो और एन की वैल्यू कमेंट करो क्या आएगा। 500 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है, सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, 500 इज इक्वल टू 50 एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 5, तो ये 500 माइनस 50 कितना हो जाएगा 450 इज इक्वल टू 5n माइनस 5, ये 5 इधर आके ऐड हो जाएगा तो 455 इज इक्वल टू 5n, देयरफॉर n इज इक्वल टू 455 डिवाइडेड बाय 5, 5 वन जा 5, 9 जा 45, 5 वन जा 5, देयरफॉर n इज इक्वल टू 91 नंबर्स होंगे 50 और 500 के बीच, जो कि किससे डिविजिबल होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे। क्वेश्चन एक्चुअल में था 7 से डिविजिबल, वो हम कर चुके हैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन, इसलिए हमने चेंज कर दिया 5 से डिविजिबल। अगेन ओहो सर गुड क्वेश्चन तो था पर सेम क्वेश्चन था, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो गुड था ना, क्लैप कर लीजिए। अरे क्लैप कर लेंगे हमारा फायदा होगा ना, क्या फायदा होगा, एक्यूप्रेशर होगा, है ना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, तो क्लैप फॉर दिस क्वेश्चन। वैसे सारे क्वेश्चन के लिए क्लैप करना चाहिए, जिससे क्या होगा, क्लैप करने से हमारा ही तो फायदा होना है ना, ठीक है, गुड हो या खराब हो क्लैप करते जाओ बस। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, टू एपीज हैव, दो एपी है हमारे पास, है ना, एपी 1 एंड एपी 2, ठीक है, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस मतलब D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D, सेम है बोल रहा है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज, इन दोनों के 100 टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमको गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करें, इन दोनों का एक AP1 ले लेता हूँ, A1 कॉमा A2 कॉमा A3 एंड सो ऑन, और AP2 हम ले लेते हैं B1 कॉमा B2 कॉमा B3 एंड सो ऑन, ठीक है, ये हम AP ले लेते हैं, ठीक। अब इसका हम क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो nth टर्म का फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा, A1
प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसके लिए क्या होगा बी वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। दोनों के लिए एन थ टर्म का फॉर्मूला यही होगा। तो ये जो है इसको कैसे लिखोगे, क्योंकि ये बी सीरीज है तो बी एन इज इक्वल टू होगा एन टर्म का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी फर्स्ट एपी के लिए, सेकेंड एपी के लिए बी एन, क्योंकि बी 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 लिया तो हमने इसलिए बी एन इज इक्वल टू बी वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से ए एन माइनस बी एन ये निकाल लीजिए, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, व्हाट विल यू यू विल गेट ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी देन माइनस बी वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप पहले निकाल लीजिए बच्चों, ठीक है। ये फॉर्मूला हम निकालेंगे पहले, इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा बताइए। ए वन तो ए वन ही रहेगा, क्या हो जाएगा एन डी माइनस डी माइनस बी वन एन डी माइनस एन डी, है ना, माइनस एन डी और माइनस माइनस प्लस डी, तो प्लस डी माइनस डी कैंसल आउट, माइनस एन डी प्लस एन डी कैंसल आउट, तो क्या बचेगा ए वन माइनस बी वन बचेगा। तो ए एन माइनस बी एन इज इक्वल टू ए वन माइनस बी वन। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों के हंड्रेड टर्म का रेशियो, हंड्रेड टर्म का जो क्या है डिफरेंस गिवन है, मतलब ए हंड्रेड इज इक्वल टू ए माइनस बी हंड्रेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए वन माइनस बी वन। ये जो फॉर्मूला मिला एन की किसी भी वैल्यू के लिए ना, मतलब फॉर आप लिख सकते हो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एन की नेचुरल नंबर कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करोगे उसके लिए आपको फॉर्मूला यही मिलेगा ए वन माइनस बी वन, ठीक है। तो हंड्रेड टर्म का आपको गिवन है वैल्यू, हंड्रेड टर्म का डिफरेंस यहाँ पे पुट कर दो, कितना गिवन है मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रिपल वन ट्रिपल टू ट्रिपल थ्री, ट्रिपल वन ट्रिपल टू ट्रिपल थ्री, ये वैल्यू हमको गिवन है, ठीक है, हंड्रेड टर्म के डिफरेंस, ठीक, इज इक्वल टू ए वन माइनस बी वन होगा, है ना, ए वन माइनस बी वन। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हाँ हमको अब करना क्या है, बेसिकली करना क्या, अब यहाँ पे देखो ए वन और बी वन फर्स्ट टर्म तो पता ही नहीं है ना हमको, दोनों के एपी का क्या है फर्स्ट टर्म हमको पता ही नहीं है, तो फर्स्ट टर्म अगर पता रहता तो हम कोई भी डिफरेंस निकाल सकते थे। तो ये आपका लास्ट में ए वन माइनस बी वन, बेसिकली करना क्या था हमको, ये जो है हंड्रेड टर्म का डिफरेंस दिया हुआ है जो कि ए वन माइनस बी वन के इक्वल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके सेकेंड टर्म का डिफरेंस कितना होगा, तो सेकेंड टर्म का डिफरेंस भी फॉर्मूला क्या होगा ए वन माइनस बी वन, और ए वन माइनस बी वन की वैल्यू आप लिख चुके हैं यहाँ पे कितना है ट्रिपल वन ट्रिपल टू ट्रिपल थ्री, मतलब बेसिकली हमको फॉर्मूला मिल गया है ए के माइनस बी के इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे कोई सा भी टर्म लो उनका डिफरेंस जो है कितना मिलेगा, यही मिलेगा, क्लियर है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, फटाक से क्लैप कीजिए और नोट कीजिए, क्लैप फॉर दिस क्वेश्चन एंड वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए फटाफट, वेरी गुड बच्चों। अब यहाँ पे हमने टोटल कितने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर थ्री तक हो चुका है ना, क्वेश्चन नंबर फोर फटाफट रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी। अ सम ऑफ रुपीज 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, मतलब सम ऑफ रुपीज 1000 मतलब प्रिंसिपल वैल्यू आपको गिवन है रुपीज 1000, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ गया है ना बच्चों, आप लोग एट्थ क्लास में पढ़ गया है, ठीक है, फॉर्मूला पूछूंगा अभी सिंपल इंटरेस्ट का, फटाफट कमेंट करो किसको किसको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। चलिए कितने रेट पर बोला है, रेट मतलब आर इज इक्वल टू 8% पर एनम, है ना, पर एनम गिवन है हमको, आपको क्या फाइंड आउट करना है। अब एनम मतलब क्या होता है, कई बच्चों को डाउट रहता है, बिल्कुल बच्चों, कई बच्चों को नहीं पता होगी एनम मतलब क्या होता है, एनम मतलब ईयरली, ठीक है, वन ईयर का इंटरेस्ट उसको कितना देना है 8%, सिंपल इंटरेस्ट बोला है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोला है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एंड द
एट द एंड ऑफ 1, 2, 3 डैश 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 ईयर्स, ठीक है, एक ईयर्स दिया हुआ है सिक्वेंस में, 1, 2, 3 डैश 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 ईयर्स, इन सबका आपको क्या करना है, इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. इज द सिक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट एन एपी, क्या ये सिक्वेंस जो है इंटरेस्ट का जो सिक्वेंस है क्या ये एपी है, आपको बताना है, ठीक है, यस और नो बताना है. फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स, 30 इयर्स एंड होने के बाद कितना इंटरेस्ट होगा, ठीक है. तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा. इंटरेस्ट का फॉर्मूला कमेंट कर दिया आप लोगों ने, पी इंटू आर इंटू टी, या फिर यहाँ पे एन भी लिखते हैं पर हम यहाँ पे टी लिखेंगे, टी फॉर टाइम, है ना. तो इंटरेस्ट हम फाइंड आउट करेंगे, पी की वैल्यू कितनी है 1000, आर की वैल्यू कितनी है 8, और टी जो है हम मान लेते हैं हमको नहीं पता है अभी, है ना, हम उसके लिए क्या करते हैं टी की वैल्यू एन पुट कर देते कि एन ईयर्स, ठीक है. यहीं पे 100 कैंसिल आउट, तो इंटरेस्ट जो है कितना आ गया, 80n आ गया. अब बताइए फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा इंटरेस्ट, 80 है ना. सेकेंड ईयर के लिए कितना होगा, 82 160. थर्ड ईयर के लिए कितना होगा, 83 240. फोर्थ ईयर के लिए कितना होगा, 84 320 रुपीज़. ये सब रुपीज़ में है, किस में है, इंटरेस्ट जो है हमेशा रुपीज़ में होता है बच्चों, तो ये रुपीज़ में, इतना रुपीज़ इंटरेस्ट जो है हर साल का देखो बढ़ते जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जो है बढ़ते जा रहा है, इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा उनको, ठीक है. तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर का हमने निकाला, एंड सो ऑन, आप जितना चाहिए ईयर्स का निकाल सकते. अब आपसे पूछ रहा है कि क्या ये एपी में है, बिल्कुल है. देखिए कॉमन डिफरेंस 80 मिल रहा है ना हमको, तो कॉमन डिफरेंस जब भी हमको क्या करें, कॉमन डिफरेंस हमको मिल जाता है, मतलब डिफरेंस जो है कॉमन मिल जाता है, तो वो एपी कहलाता है, बिल्कुल एपी है. चेक कर लीजिए, 160 माइनस 80 80, 240 माइनस 60 80, क्योंकि 80 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस 80 हुआ ना. एंड नेक्स्ट बोल रहा है कि आफ्टर एट द एंड ऑफ 30 इयर्स, मतलब एन इज इक्वल टू बोल रहा है 30 इयर्स के बाद उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब 30 इयर्स के एंड पे उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो आई 30 इज इक्वल टू क्या करो, 80 into 30, इसको सॉल्व कीजिए, 0083024 रुपीज़, 2400 उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. चेक कर लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि ये, कहाँ सिंपल इंटरेस्ट और कहाँ एपी, तो गुड क्वेश्चन है बच्चों. अरे सर बार बार क्लिक करवाते हो आप, अरे करना तो है बच्चों, क्लैप 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 फॉर दिस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन इज दिस, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आप क्लैप करते रहिए, जब तक मैं रीड कर रहा हूँ तब तक आपका क्लैपिंग जो है रुकनी नहीं चाहिए. इन अ फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड है, ठीक है, देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो. फर्स्ट रो में वो क्या कर रहा है, कितने लगा रहा है, 23 प्लांट्स, ठीक है. देन सेकेंड रो में वो कितने प्लांट्स लगा रहा है, सेकेंड रो में 21. थर्ड रो में वो कितना लगा रहा है, 19, एंड सो ऑन, ऐसे करके वो फ्लावर्स जो है लगाते जा रहा है. अब आपसे पूछ रहा है कि देयर आर 5 प्लांट्स इन द लास्ट रो, देयर आर 5 प्लांट्स इन द लास्ट रो. फर्स्ट रो में 23 था, सेकेंड रो में 21 था, थर्ड रो में 19 था, ऐसे करके एंड सो ऑन, लास्ट रो में कितना आ गया, दैट इज योर लास्ट रो, कितना हो गया, 5 प्लांट्स है बोल दिया उसने, मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, एल की वैल्यू गिवन है. हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, हाउ मेनी रोज, कितने रोज होंगे, मतलब एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो लास्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बहुत सिंपल है. एल की वैल्यू 5 दी हुई है, फर्स्ट टर्म जो है आपको कितना है, 23, कॉमन डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है, तो एन की वैल्यू 3 का आ रहा है कि 2 का आ रहा है, ओ 3 का आ रहा है कि 2 का आ रहा है, माइनस 2 का डिफरेंस आ रहा है, 21 के बाद 19 ही है ना, हाँ 21 माइनस 23 करेंगे तो माइनस 2 कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, माइनस 2 का कॉमन डिफरेंस आ रहा है. चलिए 23 इधर आ गया, माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना आएगा, माइनस 18 आएगा, इज इक्वल टू माइनस 2n, n प्लस 2, प्लस 2 इधर आ गया, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 2n,
therefore l is equal to minus minus cancel out, 2 10 जा 20, तो टोटल कितने फ्लावर बेड्स होंगे, 10 फ्लावर बेड्स मतलब 10 रोज होंगे, ठीक है। एक फ्लावर बेड में कितने रोज आपको बनाना है, 10 रोज बनेंगे, तो फटाक से फिर से क्लैप कीजिए फटाफट, इट्स अ गुड 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 क्वेश्चन, क्लैप फॉर दिस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए क्लैप करना है जिसमें प्रॉफिट तो हमारा ही है बच्चों। अब जहाँ पे प्रॉफिट हो आपसे अच्छा बेटर कौन समझ सकता है, कि जहाँ पे आजकल की जनरेशन से बेटर कौन समझ सकता है, कि जहाँ पे हमारा फ़ायदा है वहाँ पे तो हमको वो काम करना ही चाहिए, ठीक है। इसको सेल्फिश वे में मत लेके जाना बच्चों, सेल्फिश नहीं बनना है, जहाँ पे आपको फ़ायदा होता है बिल्कुल काम करना चाहिए, वहाँ पे सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। दोनों वे अलग अलग है, समझने की कोशिश कीजिए। पता चला आप बोल रहे सर आप तो बोल रहे कि सेल्फिश हो जाओ, जहाँ पे आपका फ़ायदा वहाँ पे काम करो, नो ऐसा नहीं। देखो आपका फ़ायदा हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है, वहाँ पे नुकसान हो रहा है और या फिर उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो वो उसको सेल्फिशनेस बोला जाता है, तो डोंट डू दैट, ठीक है। यहाँ पे तो कोई सेल्फिशनेस नहीं है भैया, फ़ायदा हो रहा है, किस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, क्लैप करेंगे हमारा, मेरा तो नुकसान नहीं होगा ना, आप क्लैप करेंगे तो, समझ में आ रहा। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सुबा राव स्टार्टेड वर्क, एक सुबा राव नाम का कोई व्यक्ति है, स्टार्टेड वर्क इन 1995 में उसने वर्क स्टार्ट किया, ठीक है, एट एन एनुअल सैलरी, उस समय उसकी एनुअल सैलरी थी कितनी, ₹5,000। उसके बाद एंड रिसीव्ड 200 rupees ईच ईयर रेज, ईच ईयर उसका कितना रुपीज रेज हो रहा था, रेज रुपीज 200 ईच ईयर, ईच ईयर उसका 200 rupees रेज हो रहा था। आपसे पूछ रहा है कि इन व्हाट ईयर डिड हिज एनुअल सैलरी विल रीच रुपीज 7,000 rupees, ठीक है। उसकी सैलरी ऐसे इंक्रीज होते 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 हुए क्या हो गया, रुपीज 7,000 हो गई। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन से ईयर में हुई, विच ईयर ऐसा कौन सा ईयर होगा जहां जब उसकी सैलरी कितनी हो गई, 7,000 हो गई। तो हमारे पास देखिए कैसे होगा, ईच ईयर बोल रहा है मतलब 95 देन 96 देन 97 एंड सो ऑन, ऐसे करते जाएंगे। अब हमको पता नहीं है कि किस ईयर में बढ़ रही है, अच्छा तो उसकी बढ़ रही है सैलरी तो कैसे बढ़ रही है, पहले 5000 थी, फिर 5200 हुई, फिर 5400 हुई एंड सो ऑन, ठीक है, समझ में आया। तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू ले लेते हैं कितनी, 5000, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 200 rupees कॉमन डिफरेंस, और एल की वैल्यू गिवन है आपको कितना है, 7000। जब 7000 थी तभी तो बताना है कि उसका ईयर कौन सा था, तो यहाँ पे एन की वैल्यू, सबसे पहले एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एल इज इक्वल टू फार्मूला, फार्मूला पता है, एन इज एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एल इज इक्वल टू मतलब 7000 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5000 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 200। क्या करेंगे, 5000 इधर आके माइनस होके 2000 हो जाएगा, वो 200 एन माइनस 200 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इधर आके, तो 2200 हो गया, 200 एन ये 0000 कैंसिल आउट, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 11 मिलेगा, 211 जो 20 होता है ना। अब 11 इयर्स के बाद मतलब विच ईयर पूछा है, बट 11 इयर्स के बाद तो 95 से ऐड कर दे जाओ, 95, 96, 95, 96, 97 कितने हो गए, 3 इयर्स हो गए, 98 4 इयर्स हो गए, 99 5 इयर्स हो गए, 2000 6 इयर्स हो गया, 2001 7 2002 8 2003 9 2004 10 2005 11, तो वो कौन सा ईयर होगा, 2005 में उसकी सैलरी कितनी हो गई थी, 7000 हो चुकी थी। इज इट क्लियर, समझ में आया, चलिए आगे बढ़े, चलिए फटाक से नोट कर लो। अच्छा ये गुड क्वेश्चन था, अगेन गुड क्वेश्चन, क्लैप करेंगे बच्चों फटाफट, क्लैप करेंगे, क्लैप करिए दिस क्वेश्चन, वन मोर लास्ट क्वेश्चन, फिर आज का सेशन हमारा खत्म हो जाता है, तो आप इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा,
है ना, ये सब एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि हमने काफ़ी सारे कर लिए हैं, तो होप आपको एपी का स्टार्टिंग का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की थ्योरी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वो क्या होगी वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। जैस्लीन सेव्ड 5 रुपीज़। एक गर्ल है जैस्लीन नाम की, जो क्या कर रही है, 5 रुपीज़ सेव कर रही है इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। गर्ल होके सेविंग कर रही है, वेरी गुड, गुड गर्ल होगी, है ना ना, लड़कियों के हाथ में पैसा बचना। सर ऐसा मत बोलिए, हाँ कुछ कुछ होती हैं, ऐसा नहीं है, लड़कियां बचाती हैं पैसा, गुड। जैस्लीन सेव्ड 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर, फर्स्ट वीक में उसने कितना सेव किया, 5 रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन मैं लिखते जा रहा हूँ। एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग। वीकली सेविंग वो क्या करते गई, इंक्रीज करते गई, रेस कर दिया उसने वीकली सेविंग, कितना रेस किया, 1.75 रुपीज़, इतना इंक्रीज किया उसने ईच वीक। इन व्हाट वीक विल हर वीकली सेविंग्स बी 20 रुपीज़, विच वीक, इन विच वीक उसकी सेविंग जो है कितनी हो गई, 20 रुपीज़ 75 पैसे, 20.75 रुपीज़। सेम क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। तो ये आपका हो गया प्रैक्टिस वर्क, आप खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए फटाक से, ठीक है। तो देखते हैं किसका आंसर करेक्ट आता है, ठीक। चलिए तो क्या कहना है, प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।